मैं वर्थ रखूं ना, मैं कोई डस्टबिन हूं जो आप लोग मुझे कहते हैं, गटर हूं जो आप लोग मुझे कहते हैं, मैं वर्थ रखती हूं। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्दानी, 100 करोड़ की मानहानि का जो दावे का प्रोसेस है मेरा चालू है, बहुत जल्द आपको सारे पेपर मिलेंगे। बिल्कुल, एम आई राइट? बिल्कुल। मैं एक बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और आपने मेरी धज्जियाँ उड़ाई हैं। मैं पीड़िता हूँ, मेरे हस्बैंड के बीच में मैं रोऊंगी नहीं आज, क्योंकि जो इंसान दिल से रोता है ना उसे नौटंकी ड्रामा कहा जाता है। रोऊंगी नहीं, और जो इंसान सफ़ेद झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है उसे सच्चाई बोली जाती है। तो झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी अकेली आती है। मैं कहती हूं आदिल खान दुरानी, तुमने मेरे वाहिद भाई को बोला राखी के सर से हाथ हटा दो, उसको सपोर्ट मत करो। तुमने मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। तुमने अनस भाई को बोला कि वो जो चेक आपके पास है मुझे दे दो। तुमने मेरे इर्द गिर्द लोगों को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे सपोर्ट करो। मुसलमान तो मैं भी हूँ। आज मेरा बहुत ही मीडिया में मजाक उड़ाया गया, बोला गया कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं अभी नया बच्चा हूँ मुसलमान, मैं नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम का नमाज सीख रही हूँ। मेरी नमाज अल्लाह को कबूल है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम कौन होते हो जज करने वाले? मेरी नमाज, मेरा वजू, मेरी दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर ली है तो तुम इंसान शैतान हो? शैतान जो तुम्हारे अंदर बस के जो मेरे खिलाफ कर रहा ना है शैतान, 25 तारीख को तो मैं बहुत बड़ा धमाका दूंगी, वो कोई रोक नहीं सकता। तो कर शैतान मेरा जितना बिगाड़ सकता है, मेरे अल्लाह से बढ़कर, मेरे खुदा से बढ़कर कोई नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो सिर्फ खुदा है यारो, तो मेरा सिर्फ खुदा है। सबको मालूम है आज मैं अनाथ हूं, लेकिन मेरा ऊपर वाला है। आदिल खान दुरानी, आपने पीआर कंपनी हायर करी, एक आईटी कंपनी होती है, जब भी इनके मैसेज आते हैं ना तो नीचे मैसेज आता है जस्टिस फॉर आदिल, राखी बुरी है, राखी ऐसी है। वो ऑटोमेटिकली इन्होंने इतने पैसे दिए हैं ना आदिल खान दुरानी, जो मैंने 1.5-2 करोड़ जो आदिल खान को दिए, जिसके मेरे पास पूरे चेक हैं, वो उन्होंने ऐसे ऐसे बैंकों में पैसे डाले जो जो उन्होंने पुलिस को कोर्ट को नहीं बताया है। वही पैसे जो मेरे खिलाफ आदिल खान दुरानी जो इस्तेमाल कर रहे पीआर कंपनियों को हायर करके, वो मैसेज जो है ना ऑटोमेटिक, वो मेन जनता के मैसेजेस नहीं है। अगर कोई जनता मेरे लिए बोलता तो उसको नीचे गाली दी जाती है, ऑटोमेटिकली रोबोट टाइप वो मैसेज आने लगते हैं जस्टिस फॉर आदिल एंड मुझे गालियाँ देने के लिए। आदिल, पहली बात तो कोर्ट आपको अलाउड नहीं करता कि आपकी अभी बेल हुई है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं आज एप्लीकेशन कर रही हूँ मुंबई कोर्ट में, फाल्गुनी जी को बोल के, हमारे वकील जी को बोलकर कि इनकी बेल रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन करें, और जल्द से जल्द मैं गुजारिश करूँगी मुंबई कोर्ट को कि इनकी बेल कैंसिल की जाए मुंबई से। देखिए, मैं एक बात रखना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे राखी जी ने अभी जो बात रखी है कि वो बाइज्जत भरी नहीं है, ये हमने पहले भी बताया और वापस एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि आपके ऊपर एक केस दायर है, आप अभी अभी बेल से बाहर आए हो। जब किसी को बेल मिलती है तो बेल कंडीशनल बेल होती है, उसमें बहुत सी कंडीशंस रखी जाती है और वो कंडीशन